नगर निगम भिलाई चिरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने निगम क्षेत्र के वार्ड 13 रेलवे कॉलोनी में 28,99,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बड़ी उम्मीद के साथ रेलवे वार्ड क्रमांक 13 के लोगों ने शारदा मदनकर को काफी बहुमत से यहां पर अपना वार्ड प्रत्याशी के रूप में पार्षद बनाया। वास्तविक रूप से इनकी उम्मीदें हैं, पुराने समय में यहां पर जो काम हो जाना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। इन्होंने प्राथमिकता के साथ मुझे बताया कि इस काम को करना है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्वार्टर तो बने हैं लेकिन निकासी के लिए नाली नहीं है। 11,20,000 की लागत से यहाँ पर नाली का निर्माण किया जाना है और मैंने ठेकेदार को कहा है कि एक सप्ताह के भीतर काम चालू हो जाना चाहिए और यदि एक सप्ताह में काम चालू हो जाएगा तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको यहाँ पर नया नाली देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ एक और जगह है जहाँ पर रोड सीमेंटीकरण नहीं हो पाया है, रोड दलदल या कीचड़ हो जाता है, तो वहाँ के लिए भी 17,79,000 रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है। आने वाले समय में भी जो भी और नेसेसरीज होगी, जो भी काम की जरूरत होगी, उन कामों को पूरा की जाएगी। वार्ड वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो निगम में भी एक महीने के अंदर लाइट आने वाली है, तो जहाँ जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर लाइट भी लगाया जाएगा। विकास के दृष्टिकोण से कोई भी वार्ड अछूता नहीं रहेगा, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ। इन 5 वर्षों में भिलाई चरोदा के सभी वार्ड का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगा, ये मुझे उम्मीद है। और मैं वार्डवासियों से भी अपेक्षा करूँगा कि नगर निगम में आप लोग निश्चित रूप से सहयोग करें और केनाल रोड अभी बनने का प्रस्ताव लगभग अंतिम पायदान पर है, उनका लाइनिंग का काम किया जा रहा है और उनका एस्टीमेट लगभग तैयार हो रहा है, तो कुछ लोगों का जो घर आएगा, जो बढ़ा हुआ घर है, उनके लिए थोड़ा सा सहयोग करना होगा। जो डबरा पारा में अधिकांश लोगों का घर है, मैं ये चाहता हूँ कि जब डिलीवरी होती है या किसी के घर इमरजेंसी होती है तो डबरा पारा में आप देखे होंगे कि किसी के घर एम्बुलेंस नहीं आ पाता। मेरा प्रयास ये है कि उस बच्चे का जीवन बचने के लिए, उस माता का या उस पिताजी का जीवन बचने के लिए उसके घर तक एम्बुलेंस पहुंच जाए, इतना चौड़ा ही सड़क मैं बनाना चाह रहा हूं, तो वार्डवासी इसमें सहयोग भी करें या अपेक्षा करता हूं। और इन काम के लिए वार्डवासियों को और यहां के पार्षद को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रेलवे कॉलोनी क्षेत्र भिलाई 3 में बहुत बड़ा एरिया है और काफ़ी संख्या में यहाँ आबादी बस्ती है और यहाँ के लोगों की बरसों पुरानी मांग है, लेकिन हमारे पूर्व के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं और उन्होंने रेलवे क्षेत्र होने के कारण या कोई बाधाएं का होने के कारण उन लोगों ने इसको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही श्रीमती शारदा लावेश कुमार चुनाव जीत के आई, लोगों ने चुनाव के समय भी और उसके बाद भी बहुत सारी डिमांड रखी थी, जैसे यहाँ नाली की व्यवस्था और सीसी रोड की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है और गंदे पानी से जो जूझ रहे हैं यहाँ लोग, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इसकी पूर्ति के लिए विगत 5 महीनों में हमने एक प्रयास किया और प्रयास करने के बाद DRM साहब से भी चर्चा हुई, AEN साहब से भी चर्चा हुई, हमने GRP थाने में भी और RPF थाने में भी वहां के प्रमुख लोगों से चर्चा की और जो मूलभूत आवश्यकता होती है कि पानी की समस्या और गंदगी की सफाई वगैरह का, तो उसकी व्यवस्था हमने की है कि यहाँ बोर खनन के काम 3-4 बोर खनन के करना है, लोगों को सुविधा देनी है, इसके साथ सीसी रोड बनाना है और नाली का निर्माण करना है। नाली ऐसे अव्यवस्थित पड़ी हुई है जिससे जहरीले जीव जंतु घरों में घुस जाते हैं और लोगों के यहाँ की तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। साथ में ही यहाँ एक रेलवे का ग्राउंड है जिसको हम लोग सोलर एनर्जी लाइट के माध्यम से उसको जो नाइट टूर्नामेंट्स जो होते हैं, फ्लड लाइट के जो मैच होते हैं, उसको करने के लिए और उसके लिए पीच वगैरह बनाने के लिए भी लड़कों को खेलने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने अभी की है। एक दुर्गा पूजा पंडाल भी यहाँ बहुत वर्षों पुराना पंडाल है, उसको भी अव्यवस्थित रूप से पड़ा है, उसको डोम सेट की आकृति देकर बहुत अच्छे तरीके से उसको निर्माण करना है। मेयर साहब अभी आए थे अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में, उनके सामने वार्डवासियों ने भी अपनी समस्या रखी और यहाँ के पार्षद श्रीपति शारदा लावेश कुमार ने भी अपनी समस्या को रखा है और मेयर साहब ने शहर से इसको स्वीकार किया है सारी समस्याओं को और बहुत ही जल्दी लाइट की व्यवस्था भी यहाँ करेंगे और सफाई की डोर टू डोर व्यवस्था भी करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ डबरापारा से लेकर कुम्हारी तक की जो एक केनाल रोड बनाने की जो मुख्य बात जो उन्होंने कही है, इसका मैं शहर से स्वागत करता हूं और CM साहब से इसकी चर्चा हो गई है, CM साहब ने इसका परीक्षण करवा के जल्दी से जल्दी यथास्थिति अवगत कराने की बात की है और उसके बाद इसके लिए राशि सेंक्शन की जाएगी और पैरलर रोड, जी रोड का पैरलर रोड एक केनाल रोड के रूप में बनाया जाएगा जहां भिलाई 3